गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है हनुमान जयंती, आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज हनुमान जयंती है तो प्रसाद लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं हलवा बेसन का बना रही हूँ। तो ये मैंने पहले बेसन की न्यू पैकेट खोला और इससे मैंने बेसन वगैरह निकाला, ये अभी ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उससे पहले मैंने आटे की भी नई थैली काटी थी और साथ में मैंने जैसे परात भी धो ली थी, चकला बेलना भी और तवा भी धोया था, क्योंकि मैंने ना कल रात को जैसे मुझे डैडी दिखे थे सपने में, जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे जब भी वो सपने में दिखते हैं कभी, तो मैं उनके नाम का खाना जो है ना वो गाय को खिला देती हूँ। तो वही मैंने सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके और फिर मैंने दो चपाती लगाई और पहले मैंने प्रसाद के लिए हलवा निकाल लिया था और कुछ हलवा मैंने इसके ऊपर रख के तो उनके नाम का मैंने फिर गाय को खिला दिया था। तो और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। आदवी के लिए टिफिन के लिए पास्ता बनाया था आज, ये ना पास्ता। तो मैं थोड़ा ये ले लूँगी, विनोद तो खाएंगे नहीं पास्ता, विनोद के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, मटर और पालक की सब्जी है। इसमें न्यूट्रिला चंक्स भी हैं, मतलब सोयाबीन चंक्स सॉरी। और इनके लिए चपाती लगाऊंगी मैं, चपाती नहीं मैं थोड़ा हलवा लूँगी और ये लूँगी पास्ता। तो चलिए अभी हम देखती हूँ, थोड़ी देर के बाद ना सूख सा जाता है ये और हमारे पास इसकी कोई वेजिटेबल नहीं पड़ी थी तो मैंने विदाउट वेजिटेबल की बना लिया था। हैवी होता है, इतना ही बहुत है। और हलवा जो कि वो भी हैवी ही है, दोनों चीज़ें हैवी हैवी ले रही हूँ आज। चलिए मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। सुबह इस काम सारे हो गए थे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद ना बहुत सारे काम होते हैं। तो ये घर की सफाई हुई, अभी सपना गई है काम करके, घर से ही है इनका काम। लेकिन ये जाएंगे अभी दिल्ली जाएंगे, जो नॉर्थ प्लेस में हनुमान मंदिर है ना, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ जा के आएंगे। बस थोड़ी देर में निकल रहे तो उससे पहले मैं दिल्ली की बना रही हूँ। कोई आया नहीं और मेरा जुकाम ना ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत फिर हो जाता है। चलिए देखती हूँ, पनीर मंगवाया था, हमारा जो पोलर है ना वो खाने में बहुत तंग करता है, तो जैसे पनीर के साथ राइस खा लेगा ये। और ये हमारी ग्रीन टी रेडी हो गई, हमारी ग्रीन टी रेडी हो गई है। अब हम लेंगे ग्रीन टी और देखो पोलर, पनीर वाला भैया आया था ना पनीर देने, तो पोलर उसको कितना गुस्सा कर रहा है, नो आपके ऊपर गिर जाएगी, पोलर के ऊपर गिर जाएगी। आज पोलर ने नहाई भी की थी है ना, बोलो आज आप क्यूटी बने हो ना, आज आपने नहाई की थी, किसने नहाई की थी। और यहाँ पे मैंने ये बेडशीट निकाली थी तो अभी तक लगाई नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं यहाँ पे अपना, इसलिए मैं बेडशीट नहीं लगा पाई। पूछाऊंगी बोलो, यहाँ पे पोलर का लंच हो रहा है ना बोलर। गाइस अभी मैं लंच करने वाली हूँ, ये लंच की थाली बनाई है आज की, थोड़ी सी पतली हो गई और थोड़ी देर में अभी मुझे निकलना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो ये हस्बैंड भी अभी तक तो घर में ही है, अभी नहीं गया, इन्होंने जाना था बट अभी तो गए नहीं, तो इनकी भी थाली लगा रही हूँ और यहाँ मैंने सैलेड भी काट दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हनुमान जयंती है, आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो मैं हम लोगों ने एक्चुअली हमारा जो ग्रुप है, वैसे हमने तो क्या जो हमारे सीनियर्स हैं आंटीज़ हैं उन्होंने सुंदरकांड का पार्ट जो है वो रखा हुआ है, अरेंज किया, तो उसमें हमें भी शामिल किया है। तो जो कि मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को भी ये मौका मिला आज के दिन सुनने का, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ और आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बांधी है साड़ी, हाँ एक ड्रेस कोड रखा हुआ है जैसे कि येलो रेड और ऑरेंज, इन तीनों में से कोई एक कलर पहनना था तो मुझे येलो यही थी मेरे पास। मैंने वैसे अभी जब से हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, मतलब जब से हमने स्टार्ट किया दीपावली पे हमने ये शुरू किए थे ये सारी चीज़ें, तो तब से ना हम लोग कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं जैसे कीर्तन वगैरह। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास ये कलर्स ज़्यादा होने चाहिए, रेड हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, तो इसलिए मैंने एक साड़ी भी ऑर्डर की हुई है येलो कलर की, बट वो रेडी नहीं थी, उसका ब्लाउज रेडी नहीं था, तो इसलिए ये मेरी काफ़ी पहले की साड़ी है, तो ये मैंने बांधी है, बताना कैसी लग रही हूँ। तो चलिए आपको भी हनुमान मतलब सुंदरकांड का पार्ट आपको भी जितना मेरे से हो सकेगा कैप्चर आपको भी सुनाते हैं। बाय बाय। विनोद नहीं जा रहे, विनोद दिल्ली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर है ना उसमें जा रहे हैं, ये क्लॉट प्लेस में, तो ये भी अभी निकल रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी उनके साथ साथ निकल जाती हूँ थोड़ा सा आगे तक, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। और अद्विक अभी अभी स्कूल से आया है, इसका टिफिन वगैरह निकाला मैंने, इसको लंच दिया। अद्विक और पोलर रहेंगे घर में और मैं जाऊँगी वहाँ, और विनोद जा रहे हैं दिल्ली, तो चलिए वहीं पर मिलते हैं। घर के बाहर वो भी जाने भी है साथ में। अरे वाह, हाय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ हम पहुँच गए और मैं ये सब से हेलो भी कर रही हूँ और मैंने इसे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ फिर पाठ करने बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। Oh, God.
अपने थैले भर के जा रहे हैं हम प्रसाद के पहले तो फोटो मेरे से नहीं हो पाएगी, वो क्लिक करें अभी तो वीडियो ही बन रही है, फोटो नहीं क्लिक हो पाएगी मुझसे। चलो करो बालों की हालत देखो चलो जी ओके बाय जी। तो गाइज़ मैं घर तो बहुत देर से आ गई थी बट बहुत सारे काम थे, जैसे डिनर रेडी किया और बाकी जो होते हैं आके काम बहुत सारे वो सब। और विनोद अभी आए हैं घर पहुँचे, ये 9:30 बजे कह रहे हैं बहुत, लेकिन दर्शन करके अच्छा लगा ना है। वैसे विनोद बहुत कम जाते हैं मंदिरों में, लेकिन अमित भैया की बदौलत तुम जाके आ गए है ना इतने रश में ये कभी भी नहीं जाना चाहते, पर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए ना। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। सोचो 3 बजे के निकले हुए घर से और रात को 9:30 बजे एंटर किए। चलो अच्छा है, अब हमें प्रसाद तो बहुत पहले आ गई थी बट मुझे आके कितने काम है आप समझ सकते हो, आके कितने काम होते हैं तो वो सब किए और फिर डिनर रेडी किया। डिनर में मैंने बनाया है पनीर, ये सिंपल है मतलब इसमें वो बटर पनीर या वैसा वाला कुछ नहीं बनाया, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो पनीर बनाया ग्रेवी वाला। और बस अब चपाती लगानी है और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करना है, बहुत लेंदी ही हो गया होगा आई थिंक सो। तो चलिए अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और विनोद तुम भी आ जाओ साथ में ब्लॉग एंड करने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना तो तुम बोलो फिर से मिले एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं लाइक करना, लाइक बोलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाँ तो ऐसे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय पोला, चलिए फिर बाय बाय गुड नाइट।